अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ प्रेस्टोब, आप देख रहे हैं अपना एक्सप्रेस। मौजूद हूं जुमान पार्क में। यहां पर जब से गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और तब से लेकर अभी तक तकरीबन आज 28वां रोज़ है कि यहां पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लोग घर भी जा रहे हैं, लेकिन लोगों को तकरीबन घर पर टाइम कम मिलता है रहने को और यहाँ पर टाइम ज़्यादा गुजारते हैं। आज ये यहाँ पर केक काटा जा रहा है और पूछते हैं साहब को, क्योंकि ये केक तो अपनी फैमिली के साथ भी काट सकते थे, और यहाँ पे केक काटने का क्या मकसद है, यहाँ पर केक क्यों काटा जा रहा है? सर, क्यों काटा जा रहा है केक यहाँ पर? असल में ना जी, आज से 2 साल पहले इसी दिन मैं रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हुआ था, तो ये केक घर आया था रात को। उन्होंने कहा जी कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे, तो ये भी हमारी पीटीआई की फैमिली है। मैं चूँकि सुबह सुबह उठ के इधर आ जाता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये केक हम जमान पार्क में जाके काटेंगे, इसलिए अपने साथियों के साथ आज हम इधर ये केक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि घर में तो आजकल जाते नहीं, अपने कायद की हिफाजत के लिए हम दिन रात यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर नाश्ता भी इधर ही हुआ है, केक भी इधर ही काटेंगे, एक दूसरे का मुंह भी इधर। तो आपको चाहिए था कि दो केक काटते, एक बीवी के लिए काटते और एक खान साहब के साथ रहते, तो आपने बीवी की अहमियत तो खान साहब को दे दी। नहीं, वो आप जब हम थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगा ना जी रात को, तो फिर उधर भी काट लेंगे, लेकिन ये भी एक फैमिली है। ज़्यादा टाइम तो आजकल जिधर हम गुजारते हैं उन दोस्तों का भी तो हक बनता है ना, तो इंशाल्लाह ताला वो भी कर लेंगे, सेकंड केक भी ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट केक जो है एक सेकंड लीजिएगा, बीवी सेकंड ले लेगा। ये भी आपकी बात ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये इधर हम केक भी काटेंगे, सब दोस्तों का मुंह भी मीठा कराएंगे, और आपने बिल्कुल बजा कहा है, घर वालों का भी हक बनता है, आज थोड़ी देर के लिए घर जाके भी दोबारा केक। कल का बताइएगा, कल खान साहब की मुतवक्का पेशी है हाईकोर्ट में, तो क्या आप लोगों का प्लान है? जो टाइगर हैं खान साहब के, उन्होंने क्या सोचा है, किस तरह लेके जाएंगे खान साहब को कोर्ट, और वापसी का क्या सोचा? अगर तो इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने कहा कि आप जा सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनकी कंडीशन इस तरह की है, वहाँ पे ज़रा सा कोई पुश कर दे, धिक्का लग जाए, तो उन वो बेचारे फिर बेड रेस्ट पर चले जाएंगे। अगर इजाज़त मिली तो फिर ये सारे नौजवान जो इमरान खान के साथ जाएंगे, गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी है, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी खान के लिए हम खुद भी जाएंगे, और जब तक वो बाहिफाजत जमान पार्क वापस नहीं आएंगे, साए के साथ उनके साथ। इसके बावजूद भी खान साहब को पहले सिक्योरिटी थर्ड भी है? देखिए, ये तो डिसाइड तो अब उन्होंने करना है या डॉक्टर्स ने करना है। अगर उन्होंने जाने का डिसाइड किया तो हम एक सेकेंड के लिए भी उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, बखैर आफियत बाहिफाजत जमान पार्क पहुँचाने के बाद हम हिलेंगे। ये थे जी पीटीआई के टाइगर। तो आपको, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। मुझे इजाज़त दें, दोबारा हाजिर होगा, अल्लाह हाफिज़।